हेलो वेलकम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2019। तो आपने बहुत सारे कमेंट्स कर पूछा ये कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा, कब से स्टार्ट होगा और हमें क्या स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन वही लेता है या तो वो फॉर्म फिल नहीं करा है यूपी डीएलएड में, मतलब कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया होगा तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो अगर आप यूपी डीएलएड करना चाहते हो, या फिर आपने फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करा लिया प्लस आप वो कॉलेज भी अलॉट हो गया बट वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आया या फिर दूर हो, तो इस वजह से भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो इस बार डायरेक्ट एडमिशन का मौका सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो भी डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी खाली जाएंगी डीएलएड का, क्योंकि फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि ओनली एक तिहाई ही सीटें फुल हुई प्लस आपकी डायट एंड प्राइवेट कॉलेज की भी सीटें खाली रह गई। तो वो आपका सेकेंड फेज में काउंसलिंग कराया जाएगा और उसे फुल कराई जाएगी, तब भी जो सीटें हैं वो फुल नहीं हो पाएंगी, देन आपका डायरेक्ट एडमिशन कराया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन कब से कराया जा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्ट एडमिशन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 अगस्त से जो है सेकेंड फर्स्ट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ये प्रक्रिया हमारे 26 अगस्त तक चलेगी, ठीक, 26 अगस्त तक। उसके बाद से 27 का इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये बताया जाएगा उसके बाद कि और कितनी सीटें खाली है और आप डायरेक्ट एडमिशन अब करा सकते हो। मैं आपको नोटिफिकेशन वो दिखा दूंगी, ठीक है। तो और आपको ये भी बता दूंगी कि आपके नज़दीकी इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स खाली हैं, कितने फुल हुए हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराओगे तो आपको डायट नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो आपको अपने नज़दीकी कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन ले लेना है डायरेक्ट एडमिशन। तो वो आपका जैसे ही 27 को रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि अगस्त सितंबर, ठीक है, मतलब आपका तब से डायरेक्ट एडमिशन, मतलब 30 या फिर 1 तारीख से आपका डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर मैं आपको इन्फो ज़रूर कर दूंगी। और रही बात स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत चर्चा में है कि डायरेक्ट एडमिशन वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो मिल तो उनको भी नहीं रहा है जिनका काउंसलिंग हो गया या फिर इंट्रेंस एग्जाम होकर उन्होंने एडमिशन लिया है, तभी उनको तो स्कॉलरशिप मिल ही नहीं रहा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन वालों का मिलेगा। तो बात यही है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा स्कॉलरशिप का, हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप किसी किसी को ही मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप यूपी स्कॉलरशिप पर जाकर अपना फॉर्म जैसे ही एडमिशन हो जाएगा आप फिल कर दीजिएगा, आप चिंता मत करिए, अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।